हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना 2019 के जितने भी मेकअप है उनका रिव्यू बताऊंगी कि कौन कौन से हमने लास्ट ईयर मेकअप किए। कुछ ऐसे मेकअप है जिनका ट्यूटोरियल मैंने नहीं डाला हुआ है, कई बार हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस होता है, कस्टमर अलो नहीं करता है तो हम उनके वीडियोज़ नहीं बनाते हैं। तो इस तरीके से आप मेरे सारे उनके पिक्स एंड वीडियोस देख पाएंगे आज के इस ट्यूटोरियल में। इसमें मैंने अपने 2019 की जितने भी मेकअप हुए हैं कुछ कुछ उनके पार्ट डाल दिए हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं, इन्होंने नॉर्मल पार्टी मेकअप कराया था, उसके बाद इन्होंने इससे पहले पिक जो आई थी इसमें इन्होंने ब्राइडल मेकअप भी करवाया था। ये इनका रिसेप्शन मेकअप है, इन्होंने एचडी लुक लिया था, बहुत सुंदर लग रही थी अपने दिन में इनका। अगर आपको ट्यूटोरियल देखना है तो मैंने इसमें वीडियोस डाल दिए हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये इनका नॉर्मल पार्टी मेकअप है, इसका भी ट्यूटोरियल मेरे वीडियोस में आप देख पाएंगे। इसके बाद कुछ मेरे पास लो बजट की ब्राइडल मेकअप भी आई थी लास्ट ईयर, जिसमें आप ये देख रहे हैं पिक्स, बहुत सुंदर लग रही थी। इन्होंने क्रायलोन का मेकअप लुक लिया था, एचडी मेकअप लुक आप मेरी आगे देखेंगे। एचडी मेकअप के लिए मैं एलए गर्ल्स और मेकअप स्टूडियो के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। ये इनका प्री पिक है और इसके बाद इनका मेकअप लुक आप देखिए, एचडी में बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। तो इस तरीके से आप मेरे 2019 के जितने भी मेकअप है उनका इस वीडियो में रिव्यू देख पाएंगे। ये एचडी मेकअप लुक है, इसके आगे मैंने ये क्रायलोन का नॉर्मल ब्राइडल मेकअप है, ये लो बजट का मेकअप था। कुछ ट्यूटोरियल मैंने डार्क स्किन पे भी डाला है, जैसा आप ये मेरी ब्राइडल देख रहे हैं डार्क स्किन टोन पे डस्टी स्किन में कैसे मेकअप करते हैं, इसके ट्यूटोरियल के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। आगे आप मेरा एयरब्रश मेकअप भी देखेंगे, जिसके ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में डाल रखे हैं कि किस तरह से आप मेकअप कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखे आप बहुत अच्छा मेकअप लुक दे सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं। एचडी मेकअप लुक का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, इसके लिए आप कुछ बातों का ख्याल रखिए और समझने के लिए आप वीडियोस को देखते रहिए। डार्क स्किन पे मेकअप ये दिया था इनका मैंने, इन्होंने गाउन पहना था और कई बार होता है कि हमें जो हेयर स्टाइल देना होता है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना होता है। ये इनका रिसेप्शन मेकअप लुक है, इसकी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं कि इनके मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया था, वहाँ से कंप्लीट ट्यूटोरियल आप समझ सकते हैं। और आगे मैंने अपने वीडियोज़ में डाल भी रखी है कुछ की प्री वेडिंग शूट में आप किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लुक को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन होता है, आपको उस तरीके से लुक क्रिएट करना होता है। इसको समझने के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आप मेकअप कर सकते हैं। कुछ मैंने इसमें नॉर्मल पार्टी मेकअप भी डाल दिए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा पूरा वीडियोस नहीं बना पाते हैं, क्योंकि काम इतना होता है कि शूट नहीं कर पाते हैं और कई बार रेस्ट्रिक्शंस कस्टमर्स के द्वारा भी होता है, वो अपने फेस एक्सपोजर नहीं चाहते हैं। आगे का जो आप मेरा मेकअप देखेंगे थीम बेस्ड मेकअप है, जिसको मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है ट्यूटोरियल, इनका ब्यूटी कॉन्टेस्ट था, इन्होंने कुछ इस तरीके से मेकअप लुक लिया हुआ था और इसके बाद इन्हें फर्स्ट और सेकेंड प्राइज़ दोनों मिला था, बहुत खुश थी। और मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट हैं, अक्सर आती हैं सर्विसेज के लिए सैलून पे। आगे कुछ हमारी जो बाहर की बुकिंग होती रहती हैं, ये वहाँ की मेकअप लुक है। कुछ मैंने एंगेजमेंट मेकअप की भी पिक्स डाल दी हैं इस वीडियो में और इनके ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एचडी नॉन एचडी
एयरब्रश तीनों टाइप के मेकअप के अगर आप ट्यूटोरियल समझना चाहते हैं, स्किन टाइप के हिसाब से समझना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और जिन बातों को मैंने बताया हुआ है उनको ख्याल रख के भी आप मेकअप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये इनका आगे जो मेरी ब्राइडल है वो एचडी मेकअप लुक में है, बहुत अच्छी लग रही थी, मेरी ब्राइडल बहुत सुंदर थी। नेक्स्ट जो मेरी ब्राइडल है वो क्रैलोन की एचडी लुक है, ये इनका रिसेप्शन मेकअप था, इन्होंने सेकंड लहंगा अपना पहना हुआ था, बहुत सुंदर लग रही थी। थोड़ा लाइट मेकअप चाहिए था इनको, तो इस तरीके से हमने क्रिएट किया था। जो आगे की मेरी ब्राइडल है उसको हमने एयर ब्रश मेकअप दिया था, एयर ब्रश के लिए मैंने मेकअप स्टूडियो के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। ज्वेलरी इनकी बहुत अच्छी थी और लहंगा और ज्वेलरी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था। आगे जो मेरी कस्टमर हैं इन्होंने दुर्गा पूजा पे एक स्पेशल लुक लिया हुआ था, जैसा आप देख रहे हैं लास्ट ईयर जो दुर्गा पूजा हुआ था उसके लिए इन्होंने इस तरह का लुक क्रिएट करवाया था। मेरी बहुत अच्छी कस्टमर हैं और सलून पे आती रहती हैं, इनकी ट्यूटोरियल जो है मैंने वीडियोस में डाल दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ डिफरेंट पार्टी मेकअप लुक्स हैं जो आगे देखेंगे आप किस तरीके से मैंने हर तरह के मेकअप डालने की डाली हैं सारी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर समझना चाहते हैं ट्यूटोरियल डिफरेंट डिफरेंट लुक्स के लिए तो आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, वहाँ से आप समझ पाएंगे कि किस टाइप से मेकअप हमें करना है, आई मेकअप कैसे करना है, बोल्ड नॉर्मल स्मोकी किस टाइप से आपको आई मेकअप करने हैं, इनको समझने के लिए आपको वीडियोस देखते रहिए। और कोई भी क्वायरीज है बेहिचक आप कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी मेरा चैनल नहीं लाइक किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप मेरी अपकमिंग वीडियोस देख सकते हैं और जो भी ट्यूटोरियल है उनको आप समझ सकते हैं कि किस टाइप से आपको मेकअप लुक देना है। मैंने हेयर्स पे भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, कैरेटिन, कैरा शाइन, कैरा बॉन्ड, सारे प्रोडक्ट के मैंने वीडियोस डाल दिए हैं, आप वहाँ से समझ सकते हैं कि हेयर्स को कैसे मैनेज भी करें आफ्टर द ट्रीटमेंट और प्री ट्रीटमेंट भी क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। इस तरह से मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं। कुछ मैंने कोलाज बना के डाल दिए हैं वीडियोस, क्योंकि इमेजेस क्योंकि बहुत सारी इमेजेस हो जाती हैं तो उसके लिए मैंने कोलाज में डाल दिए हैं, जहाँ से आप मेरे मेकअप लुक्स देख सकते हैं कि नॉर्मल पार्टी मेकअप में आप कैसा मेकअप लुक ले सकते हैं। और कुछ के ट्यूटोरियल ऑलरेडी बने हुए हैं जो आप देख के समझ सकते हैं कि किस टाइप से मेकअप हमें नॉर्मल पार्टी में करना है। और जो भी मेकअप मैंने डाला है कोशिश यही किया है कि प्री और पोस्ट दोनों मेकअप लुक डालूं, कि पहले स्किन कैसी थी बाद में आफ्टर मेकअप स्किन कैसी हो गई है इसको समझने के लिए ओवरऑल मैंने पिक्स डाल दिए हैं। ये मेरी पार्टी मेकअप लुक है, इससे आगे जो मेकअप लुक है ये इनका प्री फोटो है, आफ्टर मेकअप आप इनका देखेंगे किस टाइप से लुक आया है। और इससे आगे की जो मेरी ब्राइडल है वो एयर ब्रश मेकअप किया था मैंने इनका, और ट्यूटोरियल मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल डाला हुआ है, प्री में फेस कैसा था और आफ्टर द मेकअप इनका लुक बहुत अच्छा आया था। इसके ट्यूटोरियल कंप्लीट गाइडेंस के लिए आप मेरे वीडियोस को देखिए, जिसमें मैंने ओवरऑल सब कुछ बताया हुआ है। आगे मैं आपको एयर ब्रश से रिलेटेड कुछ नॉलेज भी कुछ जानकारियाँ भी बताऊंगी, जिसमें मैं एयर ब्रश को हैंडलिंग भी बताऊंगी और उसका प्रोडक्ट नॉलेज भी आपको कंप्लीट दूंगी। आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, जिसमें आपको सारे मेकअप लुक समझ पाएंगे और प्रोडक्ट नॉलेज भी देती रहती हूँ, और कोशिश करूँगी कि जितने भी प्रोडक्ट हमारे अवेलेबल हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँ। कई बार होता है कि हमारा सीज़न चल रहा होता है तो जो हमारे मेकअप चल रहे हैं उनके ही ट्यूटोरियल हम डाल पाते हैं। हेयर्स पे बहुत अच्छे वीडियोस बने हुए हैं मेरे ऑलरेडी, आप वहाँ से देख के समझ सकते हैं कि जो भी आप मेकअप जो भी आप हेयर्स पे काम करवाते हैं
प्रिय पोस्ट क्या ख्याल रखे हैं हेयर्स को मैनेज करने के लिए। कुछ मैंने हेयर फॉल ट्रीटमेंट भी डाली हुई है वीडियोस की, आप वहां से समझ सकते हैं कि हेयर फॉल के अगर आपको हो रही है तो कौन से प्रोडक्ट यूज़ करें और क्या डाइट प्लान है आपका। इस तरह को समझने के लिए आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आपको परचेस करनी हो, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल देती हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ये नॉर्मल पार्टी मेकअप है। जिनके कई बार ऐसे होते हैं कि इनके मेकअप मैंने नहीं डाले हुए हैं, केवल हमारे पास पिक्स ही रहती हैं, तो इस वीडियो में मैंने सारे शेयर करने की पूरी कोशिश किया है कि जितने भी हैं वो मैं शेयर करूं आपके साथ। आगे वाला जो मेरा मेकअप है वो एंगेजमेंट मेकअप लुक है। इन्होंने स्काई ब्लू कलर का गाउन पहना था और इनको ब्लू आई मेकअप चाहिए था इस तरह का स्काई ब्लू लुक में। मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था इनका, आप देख सकते हैं। और इसके ट्यूटोरियल के लिए आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल डाला हुआ है कि किस तरह से मैंने इनका आई मेकअप लुक तैयार किया था। ओवरऑल मेकअप HD लुक है तो किस तरह से किया हुआ था। कुछ मेरे पार्टी मेकअप लुक हैं और आगे जो आप देखेंगे ब्राइडल और नॉर्मल पार्टी मेकअप के हैं, जिसमें मेरी ब्राइडल भी है और उसमें उनकी फैमिलीज़ के जो मेंबर्स तैयार हुए थे। ओवरऑल आप ये देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने लुक लिया हुआ था। जनरली आजकल ट्रेंड में आप रेड लहंगे के साथ ही लोग ग्रीन ज्वेलरी लेते हैं, तो ज़्यादातर आप मेरी ब्राइडल में यही कॉम्बिनेशन देखोगे। नेक्स्ट 2020 में जो ट्रेंड आ रहा है उसको फॉलो करेंगे। आगे जो मेरी कस्टमर है, इन्होंने अराउंड 5 to 6 लुक्स लिए थे। इन्होंने दीपिका स्टाइल लुक लिया हुआ था, इन्होंने 5 to 6 लुक्स लिए थे लास्ट ईयर मेरे से। ये सारी पिक्स इन्हीं की हैं। और कुछ मेरी बाहर की कस्टमर्स भी हैं जो दूर से आती हैं और यहीं पे मेकअप करवाती हैं, इनके ट्यूटोरियल आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।